पति पत्नी के रिश्ते में कई बार आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, उनके रिश्तों में कई बार खटास आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते, क्योंकि अगर आप आज के समय के हिसाब से लगाएं, आज की जो दिनचर्या है, इतना काम रहता है, शेड्यूल इतना बिजी रहता है, कई बार आपस में देने के लिए समय भी पर्याप्त नहीं होता। इस वजह से भी कई बार रिश्तों में दूरियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं, पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। ऐसे क्या काम करें जिससे पति और पत्नी का रिश्ता सदैव मधुर और मीठा बना रहे और दोनों के रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई दूरी ना आए और दोनों का जीवन हंसते खेलते सुखमय बीतता रहे। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करें, किस प्रकार से अपने कोऑर्डिनेशन को बिठाएं जिससे कि पति पत्नी दोनों का आपसी समन्वय बरकरार रहे और दोनों एक दूसरे के प्रति वफादारी के साथ साथ, ईमानदारी के साथ साथ, एक दूसरे के साथ सदैव खुश रहें। नमस्कार, मैं पंडित रितिन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का एपिसोड है पति पत्नी के रिश्तों को मधुर किस प्रकार बनाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय भक्तजनों, पति पत्नी के रिश्ते को मधुर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हस्बैंड और वाइफ दोनों में सदा प्यार बना रहे और उनके जीवन की डोर सदा खुशियों भरी रहे, उनके जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। कुछ ऐसा उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसको करने से अगर आपके रिश्तों में व्यर्थ की किसी भी तरह की कोई दूरी, मतभेद या रुकावट आ रही है, उनको करने से आप इन रुकावटों से, इन उपायों को करने के बाद उस झंझट से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या है वह उपाय, क्या करना है जिससे कि पति पत्नी का रिश्ता सदैव मधुर बना रहे? साथियों, पति पत्नी को चाहिए कि उनका जो बेडरूम होता है उसमें वाइन चाइम अवश्य लगाएं। आप सभी में से अधिकतर ने वाइन चाइम देखी भी होगी, जिसके बजने से बड़ी ही मधुर आवाज निकलती है। वाइन चाइम लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में उसी प्रकार से मिठास आनी प्रारंभ हो जाती है जिस प्रकार से वाइन चाइम की बजने पर उसकी मधुर ध्वनि निकलती है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा जोड़ा है जिनके बीच में प्यार नहीं स्थापित हो पाता, जिनकी सोच नहीं मिल पाती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, उनको अपने बेडरूम में वाइन चाइम लगानी चाहिए और उसके बाद आपके रिश्ते में मिठास आना प्रारंभ हो जाएगा। बेडरूम में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेडरूम में लगाने पर वह आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है, जिसके कारण ही आपसी झगड़े और व्यर्थ के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर बेडरूम में आपके शीशा है तो रात को सोने से पहले उस शीशे को किसी कपड़े से अवश्य ढक देना चाहिए। ऐसा करने से आपको वास्तु का दोष नहीं लगता और अगर आपके रिश्तों में किसी प्रकार से वास्तु की कोई अड़चन आ रही है तो यह काम करने से वह आपकी वास्तु की अड़चन दूर हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार, ईमानदार होने चाहिए, यह उनके रिश्ते की सबसे पहली नींव होती है, अर्थात जड़ होती है। अगर एक दूसरे के प्रति ईमानदारी को बरतते हैं तो आम तौर पर दोनों के रिश्तों में सदैव प्रेम बरकरार रहता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति आदर उनके रिश्ते की दिशा तय करता है।
आपके मन में अपनी प्रति पत्नी के प्रति इज्जत है, तो उसी प्रकार से वह भी उसी प्रकार से आपको उसी इज्जत से आपका आदर करेगी। अगर आपके मन में अपनी पत्नी के प्रति इज्जत नहीं है तो वह भी आपको सम्मान नहीं दे पाएगी। इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी का रिश्ता आपस में समन्वय स्थापित होता है तभी उनका रिश्ता जन्म पर्यंत चलता है और उनका जीवन सदैव सुखी रहता है। प्रिय साथियों, आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की, माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें।